क्रूज का संचालन इस वक्त शाम को किया जा रहा है 5 बजे। यहाँ पे जितने भी कस्टमर्स होते हैं, जितने भी पैसेंजर होते हैं, उनको यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी पड़ती है और 5:30 बजे ये क्रूज चलना शुरू होता है, जिसके बाद ये रविदास घाट से शुरू होता है। और यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि अस्सी और गंगा का संगम स्थल है, यहाँ से शुरुआत होती है और इसके बाद ये जो क्रूज है वो जाता है राजघाट तक। राजघाट में पहुँचने के बाद वहाँ से टर्निंग होती है, धीरे धीरे घाट के किनारे से इसे ले जाया जाता है और जो राजघाट है वहाँ पे वरुणा और गंगा का संगम है। ये सारी बातें, ये सारी जानकारी, जितने भी घाट हैं, घाटों का क्या इतिहास है और वो घाट किस वजह से प्रसिद्ध है, ये सारी बातें आपको जब आप क्रूज में बैठेंगे तो वहाँ पे वॉइस क्लिपिंग के जरिए ये सारी बातें बताई जाती है। तो एक तरीके से जो सैलानी होते हैं, जो विदेशी पर्यटक होते हैं और साथ ही साथ देश के कोने से जो लोग आते हैं, उन्हें ये बात समझने में और जानने में काफ़ी आसानी होती है कि बनारस का क्या इतिहास है और यहाँ के घाटों का क्या इतिहास है। और अगर बात करें इसके वापस टर्निंग की तो इसका टाइम है 7 बजे तक। ये 7 बजे वापस अपने स्थल पे आ जाता है और जितने भी कस्टमर्स हैं वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होते हैं और एक बार वो फिर से सोचते हैं कि दोबारा भी आने का मौका, इस अलग नंदा क्रूज में आने का मौका उन्हें फिर से मिले। नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव बीएनएस। अनलॉक का फेज शुरू हो चुका है और इंडिया में जितने भी पर्यटन स्थल हैं वो धीरे धीरे ओपन किए जा रहे हैं। और बात बनारस की करें तो बनारस में सारनाथ को ओपन करने के बाद अब जो बनारस की घाटों का जो रौनक बढ़ाता है, अलकनंदा क्रूज, उसकी भी शुरुआत कर दी गई है 27 सितंबर से। और यहाँ पे जो पर्यटक है वो आ रहे हैं और इसका क्रेज अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। लॉकडाउन के बाद जो पर्यटक थे, जो इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये गंगा की लहरों पर चले क्रूज और इसके द्वारा वो जो घाटों की झलक है, जो घाट की रौनक है, जो घाट की गंगा आरती है, वो एक बार फिर से देख सके, उसका लुफ्त उठा सके, तो ये शुरू हो चुका है और डीएम के द्वारा आदेश दिया जा चुका है। ये वही अलकनंदा क्रूज है जहाँ पे जब पीएम मोदी आए थे बनारस में नामांकन के दौरान तो यहीं पे उनका इंटरव्यू हुआ था। और ये जो क्रूज है वो 2018 पे जो उत्तर प्रदेश के सीएम है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस क्रूज के अंदर, इस अलकनंदा क्रूज के अंदर, और इसकी कैसी व्यवस्था है, किस तरीके से कस्टमर्स का ख्याल रखा जाता है और इस लॉकडाउन के बाद से जब ये ओपन हुआ है, कोरोना काल को देखते हुए क्या गाइडलाइंस है, उसको किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है, ये सभी चीजें हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए लाइव बीएनएस के साथ और देखते हैं और चलते हैं इस क्रूज के अंदर। वैसे तो बनारस के अलकनंदा क्रूज के बारे में सभी ने सुना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे वाराणसी आए थे नामांकन के दौरान तो उनका इंटरव्यू भी इसी क्रूज में हुआ था। आपको दिखाते हैं क्रूज के अंदर का जो सेटअप है कैसा है। आप यहाँ पे देखेंगे जो सीटें हैं वो पूरी 60 सीटें हैं और जब कस्टमर से बुकिंग की जाती है तो इन्हीं सीटों को लेकर के की जाती है और इसके सेकंड फ्लोर में रूफ टॉप है, वहाँ पे भी कस्टमर्स जाते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इन्हीं में से एक कस्टमर। तो सर अपना नाम बताइए। मैं विकास मालवीय। सर आप ये बताइए कि आपने क्रूज के बारे में कैसे सुना, आप बनारस से हैं कि बनारस के बाहर से? बनारस से, मैं संचालक हूँ इसका, क्रूज का एक सदस्य हूँ, क्रूज के संचालक हूँ। तो सर यहाँ पे क्या क्या जो व्यवस्थाएं हैं कस्टमर्स को दी जाती हैं? देखिए, सबसे पहले जो हम लोगों को बाकी सबसे अलग करता है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये वेसल पूरी तरह से इंटरनेशनल नॉर्म्स में जो लॉज होते हैं और जो डिज़ाइनिंग का प्रोसेस होता है सेफ्टी सिक्योरिटी के, और जो बाकी चीज़ें फॉलो होती हैं वो सारी फॉलो होती हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो वही है। उसके अलावा हम लोगों के यहाँ बनारस में 8 महीने गर्मी रहती है तो लोअर डेक आप जैसा देख रही हैं एयर कंडीशन्ड है जिसमें गर्मी ना लगे पर्यटकों को। दिन भर पर्यटक इधर उधर साइट सीन करते रहते हैं तो एक नेचुरल उनकी डिमांड होती है, तो बायो टॉयलेट्स की सुविधा यहाँ पे है। और उसके अलावा बाकी हम लोगों का जो भी रहता है उसमें हम लोग टी कॉफ़ी वगैरह सर्व करते हैं, कमेंट्री और ये घाटों के बारे में बताते हैं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो भी एक पर्यटकों को अच्छा लगता है। जानना चाहेंगे यहाँ पे जो पर्यटक हैं फिलहाल तो अभी इंडिया से ही आते हैं, तो क्या संख्या है उनकी और कितनी तादाद में आ रहे हैं पूरे इंडिया से? अभी तो देखे पर्यटक बहुत कम हैं। हम लोगों ने कोरोना के लॉकडाउन के पहले तक 2018 से शुरू करके लगभग 30,000 गेस्ट को हम लोगों ने होस्ट किया था जो कि पूरी दुनिया भर के थे। अब
पर्यटकों की संख्या अभी तो बहुत कम है, लेकिन हम लोगों की उम्मीद है कि जैसे जैसे ट्रेन्स की संख्या बढ़ेगी और फ्लाइट्स की, जो यहाँ आने वाली फ्लाइट्स हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, तो पर्यटक बढ़ेंगे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो आइए और भी लोगों से मिलते हैं और उनके क्या विचार हैं। आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी इनके जो वर्कर्स हैं उन्होंने पूरी तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो किया है, मास्क लगाया हुआ है, ग्लव्स लगाए हुए हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर दीपक सिंह है। सर आप बनारस से? नहीं, मैं बनारस से, मैं दिल्ली से। दिल्ली से हैं। तो आपको अलकनंदा क्रूज के बारे में कैसे पता चला? ऑनलाइन। तो आपने जितना ऑनलाइन सुना था और जितना अभी आप देख रहे हैं, तो क्या डिफरेंस देखने को मिला? एक्सपेक्टेशंस जो मेरी थी वो यहाँ पर मेरी मतलब वही है जैसे मैंने सोचा था। कितने सैटिस्फाइड हैं यहाँ का जो लोकेशन है, यहाँ की जो सर्विस है उससे? आई थिंक सो 9/10, 9/10। आप पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं अलकनंदा? फर्स्ट टाइम। थैंक यू। आप अपना नाम बताइए। लियाना जी। आप इंडिया से हो या फिर बाहर से? नहीं, हम तो बाहर से हूँ, लेकिन हम इंडिया में शादी कर दिया तो हम यहाँ रहा है। आपको यहाँ का कल्चर, यहाँ के जो लोग हैं कैसे लगते हैं? बिल्कुल ठीक, अच्छा लगता है। नाइस नाइस कल्चर। और वाराणसी कैसा लगा? ये मेरा पहली टाइम है वाराणसी में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब कल्चर सितंबर 2018 से जब से अलकनंदा क्रूज का उद्घाटन हुआ था तो लगातार ये बनारस के घाटों में चलता था और यहाँ पे जो सैलानी आते थे वो घाटों में होने वाले गंगा आरती का लुत्फ उठाया करते थे। तो इस वक्त जब अनलॉक के फेज में अलकनंदा क्रूज एक बार फिर से 27 सितंबर से चलना शुरू हो गया है, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ के जो संचालन करते हैं उनसे हम बात करने जा रहे हैं। तो सर आपका लाइव वीएनएस में स्वागत है, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जयंत मालवीय है और मैं अलकनंदा क्रूज का मैनेजर हूँ। सर 2 साल से लगातार अलकनंदा क्रूज बनारस की रौनक बनी हुई है और अब अनलॉक के बाद ये सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है, फिर से सैलानी आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है, कैसी खुशी है? देखिए हम लोग में बहुत उत्साह है क्योंकि 6 महीने से हम लोग का संचालन बंद था और अभी विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में कल हम लोगों ने 27 सितंबर से संचालन वापस शुरू किया है और अभी फ़िलहाल पर्यटकों की संख्या उतनी नहीं है, लेकिन हम लोग को पूरी उम्मीद है कि नवरात्रि आते आते और खासकर दिवाली तक संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। हम जानना चाहेंगे कि अभी जो पर्यटक है वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? देखिए मिला जुला है, कुछ बनारस से, लगभग 50% बनारस से हैं, लगभग 50% जो आसपास के ज़िलों से जो बाई रोड आ सकते हैं। तो अभी बहुत दूर से देखिए, आप जैसे देखेंगे कि साउथ से बिल्कुल भी लोग नहीं आ रहे हैं इस समय, तो दक्षिण भारतीय बिल्कुल आपको इस समय नहीं देखेंगे, तो जो भी लोग हैं आसपास के ज़िलों से आ रहे हैं या बनारस से आ रहे हैं। वैसे जब अगर अनलॉक के पहले की बात, लॉकडाउन के पहले की बात करें तो यहाँ पे कहाँ से मुख्य रूप से सैलानी आते थे, विदेशों से या फिर दक्षिण भारतीय लोग? दक्षिण भारतीय भी काफ़ी आते थे, NRIs बहुत आते थे पूरे इंडिया से, भारत के कोने कोने से लोगों का हमने स्वागत किया है, बनारस के भी लोग आते थे, तो देखा जाए कि तो पूरे भारत में और विदेशों से भी काफ़ी लोगों को। बात करें इसके चार्जेस की तो अभी भी उतनी चार्जेस हैं या फिर लॉकडाउन की वजह से ये चार्ज घटाया गया, बढ़ाया गया? चार्जेस हमारे जो day 1 से थे अभी तक वही कंटिन्यू कर रहे हैं, ₹900 per person इंक्लूडिंग GST हमारे चार्जेस जो हैं उससे। बात करें अभी कोरोना का टाइम है तो जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं उसको किस तरीके से प्रॉपर फॉलो किया जा रहा है उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए जो भी सरकार के द्वारा गाइडलाइंस दी गई हैं उसके मद्देनज़र हम लोग गेस्ट जो भी आते हैं उनका पहले सैनिटाइजेशन, फिर उसके बाद टेम्परेचर चेक और सोशल डिस्टेंसिंग को हम मेंटेन करते हैं, सारे जो चीज़ें हैं कोरोना से बचाव के लिए उपयोगी जो हैं, मास्क हम लोगों ने कंपलसरी किया हुआ है अपने स्टाफ के लिए भी और गेस्ट के लिए भी,
जो भी गाइडलाइंस हैं पूरी तरह से हम उनका पालन कर रहे हैं, और क्रूज़ का संचालन के पहले और संचालन के बाद में पूरे क्रूज़ का सैनिटाइजेशन अच्छे से किया जाता है। अगर हम बात करें क्रूज़ के संचालन का, तो ये कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है और क्या क्या व्यवस्थाएँ कस्टमर्स को दी जाती हैं? इस क्रूज़ का संचालन रविदास घाट से शुरू होता है और हम राजघाट तक लेकर जाते हैं, सारे के सारे 84 घाट हम दिखाते हैं पर्यटकों को और वापस रविदास घाट पर आकर छोड़ते हैं। और सुविधाएं जो आप कह रही हैं, तो इसमें हम पर्यटकों को शुरुआत में एक 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं काशी के ऊपर, जो हमने स्पेशली बनवाई है, साथ में गेस्ट को चाय कॉफ़ी कुकीज़ और पानी की बॉटल ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और 1.5 घंटे का हमारा टूर है, जिसमें मुख्य घाटों को हम ऑडियो कमेंट्री द्वारा पर्यटकों को हम उनका इतिहास और महत्व बताते हैं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ क्रूज़ के संचालन, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कस्टमर्स की ज़रूरतों का भी ख्याल किया जाता है, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कोरोना को देखते हुए उसका भी पालन अच्छे से किया जाता है और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जैसे सभी नियमों का पालन किया जाता है। और उम्मीद करते हैं कि जो ये टफ टाइम है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए और घाटों की जो रौनक है वो एक बार फिर से पहले जैसी हो जाए। नीचे का जो सिस्टम था, जो सेटअप था, वो दिखाया और अब आ चुके हैं हम ऊपर में। और यहाँ पे कस्टमर्स का ध्यान रखते हुए यहाँ पे वॉशरूम की भी व्यवस्था की गई है, और उसी के साथ ही साथ अगर आप चलेंगे तो यहाँ से भी घाटों का बहुत ही अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सारे कस्टमर्स बैठे हुए हैं और जो गंगा आरती और जो घाट है उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। और शाम को जब इस तरीके से अलकनंदा क्रूज़ में आप आते हैं और घाटों का दीदार करते हैं, तो वाकई में एक अलग खुशी, एक अलग ही उत्साह देखने को मिलती है। यहाँ पे जितने भी कस्टमर्स हैं सारे अलग अलग तरीके से लुत्फ़ उठा रहे हैं और जितनी भी ये घाटों की रौनक है उसका इंजॉय कर रहे हैं, उसे इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे भैया को, तो ये भी पूरी तरीके से दम मेंटेन किए हुए, खुद को मास्क लगा के, ग्लव्स लगा के, पूरी तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है इनके द्वारा अलकनंदा क्रूज़ में। और यहाँ पे भी सारे जो लोग हैं वो घाटों का और यहाँ पे जो पूरा लोकेशन है उसका, एक कहते हैं ना कि जब सामने से आप देखें और किसी चीज़ को सुने तो सामने से देखने में जितना अच्छा आनंद आता है उतना अच्छा आनंद सुनने को नहीं मिल सकता। तो एक बार आपको भी अलकनंदा क्रूज़ में आके इसका जो घाटों का जो एक लुक है उसको देखना तो बनता ही है। इस वक्त हमारे साथ अलकनंदा क्रूज़ में कुछ पर्यटक मौजूद हैं, जिनसे हम पूछते हैं कि उन्हें इतने दिनों बाद यहाँ पे आके कैसा लग रहा है। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिग्विजय सिंह है। आप ये बताइए कि 6-7 महीनों के लंबे इंतजार के बाद क्रूज में आके और ये ठंडी ठंडी जो हवा आ रही है कैसा लग रहा है? बहुत आनंद लग रहा है, प्राकृतिक की छटा बड़ी रमणीक लग रही है, जिससे हम लोग ओझल हो चुके थे और इस कोरोना काल में जैसे कहीं गुप्त हो गए थे, लेकिन जब से ये कार्यक्रम फिर से चालू हुआ है बड़ा आनंद मिल रहा है। तो मैम अपना आप नाम बताइए। आपको कैसा लग रहा है इतने महीनों बाद क्रूज में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, हमको फील हो रहा है कि हम प्रकृति के पूरे नजदीक आ चुके हैं। आप बनारस से ही हैं? नहीं, बनारस नहीं है। हम तो हैं अम्बेडकर नगर से। मैम आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है ये जो ठंडी ठंडी हवा जो जब चलती है गंगा पे क्रूज। तो सर अपना नाम बताइए। मैम प्रवीण सिंह। आप कहाँ से हैं? अम्बेडकर नगर से। तो आपको यहाँ पे आके और ये गंगा की गोद में जो क्रूज चल रहा है उसे घाटों का दीदार करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ ठंडी हवाएं हैं और ये अच्छा सुंदर दृश्य है। आप क्या कहना चाहेंगे जो और भी लोग हैं उनको आप बोलना चाहेंगे कि वो यहाँ पे आए? हाँ, यहाँ के आए, यहाँ गंगा आरती और घाट के दृश्य देखें, बहुत सुनहरा दृश्य है। तो आप इससे पहले भी क्रूज में आ चुके हैं जब लॉकडाउन नहीं था? नहीं, लॉकडाउन के पहले आए थे, लॉकडाउन में नहीं आए थे, लॉकडाउन के बाद बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने में। हालांकि पहले जैसे रौनक कभी देखने को नहीं मिल रही? नहीं नहीं नहीं, पहले जैसे रौनक नहीं देखने को मिली। तो आइए बने रहिए, और भी लोगों से हम जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है लॉकडाउन में, लॉकडाउन के बाद क्रूज में आके। हालांकि पहले जैसी वो बात नहीं है, वो रौनक नहीं है, पहले जो घाट थे
में आरती होती थी, जो आरती होते हुए जब आप क्रूज में देखेंगे तो अलग ही रौनक, अलग ही छटा घाटों की देखने को मिलती थी। अलकनंदा क्रूज का जो बागडोर है, जो इसको ड्राइव करते हैं, वो है राजेंद्र निषाद जी, और इस समय ये अपनी जिम्मेदारी पूरी अच्छे तरीके से निभा रहे हैं और इसको ड्राइव कर रहे हैं, और जितने भी यहाँ पे पर्यटक हैं उनकी बागडोर इन्हीं के हाथ में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और यहाँ से जो घाटों का नज़ारा है वो बहुत ही सुंदर आपको देखने को मिलेगा। घाटों में लाइटिंग है, हालांकि पहले जैसी लाइटिंग और पहले जैसी रौनक तो अभी देखने को नहीं मिल रही है घाटों में, लेकिन उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे जैसे अनलॉक फेज में सारी चीज़ें पहले जैसी हो रही हैं, पहले जैसी पटरी में आ रही हैं, वैसे ही अब घाटों में आरती होना शुरू हो जाए और घाटों की जो रौनक है वो फिर से आ जाए, और जो पर्यटक है, जो विदेशी सैलानी है, वो एक बार फिर से घाटों में आए और घाटों की जो रौनक है उसमें चार चांद लग जाए। तो आगे और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव बीएनएस। मैं रानी गुप्ता, कैमरा पर्सन राजेश अग्ररी के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बनारस में टोटल 84 घाट है, और आप जब अलकनंदा क्रूज में आएंगे तो यहाँ पे जो वॉइस कमेंट्री होती है, वॉइस के द्वारा यहाँ पे पूरा बताया जाता है जितने भी मुख्य घाट हैं, घाट का क्या इतिहास है और कितने घाट हैं, क्या उनका नाम है और किस वजह से वो घाट फेमस है, सारी बातें सैलानियों को यहाँ पे बताई जा रही हैं। और इस वक्त जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो है दशाश्वमेध घाट, और बताना चाहेंगी कि दशाश्वमेध घाट की जो विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती है वो पूरे यूँ कहें कि पूरे विश्व में बहुत ही फेमस है, बहुत ही जानी जाती है, और यहाँ की जो देव दीपावली की आरती होती है वो भी बहुत खास मानी जाती है। हालांकि लॉकडाउन और कोरोना की वजह से वैसी रौनक आपको घाटों में नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे इस वक्त अनलॉक का सिलसिला जारी है और ऐसे में एक ही पंडित आपको गंगा में आरती करते हुए दिखेंगे, लेकिन फिर भी उसे भी देखने के लिए जो बनारस है और बनारस के आसपास के जो लोग हैं उसे देखने के लिए यहाँ पे रोज शाम को अवश्य आते हैं।